राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इस पुरस्कार के लिए देश भर से नॉमिनेशंस मंगाए जाते हैं। यूं तो राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय तथा विभागों से नॉमिनेशंस मंगवाए गए, पर सेल्फ नॉमिनेशन का भी स्वागत किया गया। चयन प्रक्रिया में वंचित तथा कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण के योगदान को खास महत्व दिया गया। गाइडलाइंस के हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई ताकि उन नॉमिनेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जा सके जो पुरस्कार के मानदंड के अनुकूल हों। ये शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन कमेटी के सामने रखी गई, जिसकी अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने की। कुल मिलाकर 12 अवार्डीज हैं, जिनमें 16 महिलाओं को चयन किया गया है, फाइनलाइज किया गया है। आज 15 पुरस्कार विजेता मौजूद हैं। हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर पधारें। हम देश की प्रथम महिला रिस्पेक्टेड श्रीमती सविता कोविंद जी से भी निवेदन करते हैं कि वे भी मंच पर पधारें। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया तथा माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सुश्री देवश्री चौधरी, आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। कुल 12 अवार्ड्स हैं। कुछ अवार्ड्स संयुक्त रूप से भी दिए जा रहे हैं। इस तरह से 15 अवार्डीज आज मौजूद हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि कृपया ये पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। आरिफा जान, श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर, तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आपने कश्मीर हस्तकला नुमधा को न सिर्फ पुनर्जीवित किया बल्कि 100 महिलाओं को प्रशिक्षित करके कई लोगों को प्रेरित भी किया। बीना देवी, मुंगेर, बिहार, आपको मशरूम महिला के रूप में जाना जाता है। आप एक ऐसे मशरूम उत्पादक हैं जो सरपंच भी रह चुके हैं। आपने किसानों को मशरूम खेती, ऑर्गेनिक खेती तथा ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने को प्रेरित किया। चामी मुर्मू,
राजनगर झारखंड, आपको लेडी टार्जन के रूप में भी जाना जाता है। आप जंगलों तथा वन्य जीवन को संरक्षित करने के प्रति न सिर्फ श्रद्धा से समर्पित हैं, बल्कि क्षेत्रीय लोगों के जीवन यापन में आप मदद भी कर रही हैं। कलावती देवी, कानपुर उत्तर प्रदेश, आप एक महिला रानी मिस्त्री हैं। कानपुर के अंदर तथा आसपास के गांवों में 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाने में आपका योगदान है। कानपुर को ODF बनाने के लिए आप एक प्रेरणा ज्योति के रूप में जुटी हैं। कौशिकी चक्रवर्ती, कोलकाता पश्चिम बंगाल, आप एक शास्त्रीय कंठ संगीतज्ञ हैं। आपने कई नामी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में शिरकत की। आपने सखी वुमेन म्यूजिकल ग्रुप की स्थापना की, जो पहला महिला शास्त्रीय बैंड है। निल्जा वांगमो, लेह लद्दाख, आप अब तक का पहला ऐसा लद्दाखी किचन चला रही हैं जो लद्दाख के खास लजीज तथा यहाँ तक कि भूले बिसरे पकवानों को परोसता है। आपके किचन में कई युवा ग्रामीण महिला कर्मी हैं जिन्हें आपने खुद ने प्रशिक्षित किया है। पडाला भूदेवी, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, आप एक कृषि वेत्ता तथा एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से आदिवासी महिलाओं, विडोज तथा पोजू लैंड्स के विकास की दिशा में अथक योगदान दिया। रश्मि उर्ध्वार, देशे पुणे महाराष्ट्र, आप पिछले 60 सालों से ऑटोमोटिव तथा R&D प्रोफेशनल हैं। आपने एमिशन मेजरमेंट में योगदान देकर भारत की पहली एमिशन लेबोरेटरी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदारनी मान कौर, पटियाला पंजाब, उम्र 103 वर्ष, आपको चंडीगढ़ का चमत्कार के रूप में जाना जाता है। आपने एथलेटिक में आश्चर्यजनक रूप से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की। आपने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। आप फिट इंडिया अभियान से जुड़ी हुई हैं। आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंच, मोहना सिंह, आप भारतीय वायु सेना में बतौर फाइटर पायलट कमीशन पाने वाली पहली महिला बैच हैं। आप तीनों ऐसी भारतीय महिला पायलट हैं जिन्होंने MiG-21 में सोलो उड़ान भरी है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंच, मोहना सिंह, काशी तथा नुंशी मलिक, देहरादून उत्तराखंड, आप ऐसी जुड़वा बहने हैं जिन्होंने कई गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इन्होंने दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी, जिसमें एवरेस्ट भी शामिल है, की फतह के साथ साथ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की स्कीइंग पूरी की। काशी मलिक, नुंशी मलिक, सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।
वीडियो में, यानी कि जो वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा है ना, जो समाज सेवा के लिए हो या अलग अलग क्षेत्र में जिन महिलाओं ने जो साधना की है उन्हें 2020 का पद्मश्री जो पुरस्कार उन्हें यहाँ पे दिया गया है। तो उनमें से हमारे कर्नाटक की है ना एक महान प्रतिभा जो है, कौन है वो, सालुमरदत्ती मक्का है ना, सालुमरदत्ती मक्का, इन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना। हाँ, तो फिर आज हम आपकी जो आठवीं कक्षा से संबंधित एक पाठ है, कौन सा है वो, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का, इस पाठ को आज हम यहाँ पे देखेंगे। पाठ का नाम क्या है, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। दाली होगा है ना,
दारिद्र करो मुसीबत, कौन सा है पहला शब्द? मुसीबत। मुसीबत का अर्थ है परिश्रम, सॉरी विपत्ति। क्या है? विपत्ति। परिश्रम का अर्थ क्या है? विपत्ति। कन्नड़ में विपत्तु बोलते हैं, कन्नड़ में विपत्तु। फिर नवा शब्द है तबीयत। तबीयत, तबीयत का अर्थ है यहाँ पे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तबीयत का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य। दसवां शब्द है तकलीफ, तकलीफ। तकलीफ का अर्थ है कष्ट, तकलीफ का अर्थ क्या है? कष्ट। फिर कन्नड़ में भी कष्टा बोलते हैं। फिर ग्यारहवां शब्द है, ग्यारहवां जो शब्द दिया गया बदौलत, बदौलत, बदौलत का अर्थ है द्वारा, द्वारा यानी कि कृपा से। क्या है? कृपा से, कृपेंदा, है ना, कृपेंदा। तो इस तरीके से इस पाठ में आए कुछ नए शब्द यहाँ पे दिए गए, जैसे कि पहला है मिसाल। मिसाल का अर्थ क्या है? उदाहरण। कन्नड़ में भी क्या कहेंगे इसको? उदाहरण। फिर दूसरा है काव। काव का अर्थ है यहाँ पे निवाला। निवाला का अर्थ क्या हो गया? तुत्तू। हाँ, मेहनत का अर्थ है परिश्रम। मेहनत का अर्थ क्या है? परिश्रम। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं इसको? परिश्रमा। फिर चौथा है इंतजाम। इंतजाम के प्रबंध, व्यवस्था, व्यवस्थिता, व्यवस्था, व्यवस्थे, है ना। हाँ, पांचवा जो है तरसना। तरसना शब्द का अर्थ है तड़पना, बेचैन रहना, परितपिसु, है ना, परितपिस करते हैं। फिर राहगीर। राहगीर का अर्थ है पथिक यानी कि यात्री, पथिक यानी यात्री। हाँ, मुसीबत का अर्थ है विपत्ति। मुसीबत का अर्थ क्या है? विपत्ति। कन्नड़ में भी हम विपत्तु बोलते हैं। जो नौवां है तबीयत। तबीयत का अर्थ है स्वास्थ्य। तबीयत का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य। फिर आरोग्य। हाँ, दसवां जो है तकलीफ। तकलीफ का अर्थ है कष्ट। कन्नड़ में भी हम कष्टा बोलते हैं। और ग्यारहवां शब्द जो है बदौलत। बदौलत का अर्थ क्या हो गया? द्वारा यानी कि कृपा से। इस तरीके से इस पाठ में जो नए शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को हमने यहाँ पे देखा। इधर बात करता हूँ सात शब्द का परिचय हमके आई तो करानो आंकड़े दे, है ना। इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ जो थे उन्हें हमने यहाँ पे समझ लिया, है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो पाठ वृक्ष प्रेमी तिमक्का जो है यह पाठ संकलित है और इस पाठ का आशय देखेंगे। इस पाठ में साल वर्द तिमक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया गया है। उनका जो पर्यावरण का जो प्रेम था उसके बारे में और परिसर वाला यशु प्रीत स्थाई अदर वो अमूल्यवाद प्रेम जो जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। बच्चे भी इनको देखकर खुद क्या करेंगे? पर्यावरण के लिए जितना हो सके अपना कर्तव्य छात्रों को या बच्चों को निभाना है, इसके लिए यह पाठ यहाँ पे रखा गया है। ये पाठ बना नाव नोड़ी ओद बिट्टु एन माडबेकप्प अंतंद्रे नावुगळु सह परिसरद संरक्षणेयन्न हेगे माडबेकु अन्नोदन्न कल्तुकबेकागिदे। तो फिर मैं अब यहाँ पे पाठ को पढ़ता हूँ। अपनी किताबों में पाठ को ध्यान से देखिएगा। ईग नन पाठवन्नु ओद्ता इद्दरे नीवु ध्यानपूर्वकवागि पुस्तकदल्लि अदन्न नोड्कोळ्तीरा। पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्क, यह पाठ संकलित है। साल मरद तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें
पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं, आइए ग्रामीण प्रदेश में गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पावे। तो इस तरीके से पाठ को पढ़ा जाता है, आप पाठ को पूरा इसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, अब हम देखेंगे कि इस पाठ में कौन से मूल्य या क्या सालवर्ग तिम्मका के बारे में दिया गया है उसको देखेंगे। सालवर्ग तिम्मका का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। सालवर्ग तिम्मका है ना, जो मैंने वीडियो क्लिप में आपको उनका फोटो दिखाया है ना। हाँ, सालवर्ग तिम्मका जो है, इनका नाम जो है कर्नाटक के कोने कोने में, आज तो भारत में है ना, आज भारत में भी इनका नाम क्या हो गया, प्रसार हो गया है। हाँ, तो फिर देखिएगा, इनका नाम कोने कोने में व्याप्त है। मूले मूले कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कर्नाटक सरकार हलवु पुरस्कार सम्मानोस्कर समाज सेवा जो इन्होंने समाज सेवा की है, समाज सेवा के क्षेत्र में यह एक मिसाल बन गई है। कौन? सालवर्ग तिम्मका, वृक्ष प्रेमी तिम्मका जो है क्या बन गई है, मिसाल बन गई है, है ना। मिसाल उदाहरण, मिसाल का अर्थ क्या देखा हमने, उदाहरण, यानी कि समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाएं भी सेवा कर सकते हैं, ऐसी एक मिसाल बनकर खड़ी है। कौन? सालवर्ग तिम्मका। इस सालवर्ग तिम्मका महिला के ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं, है ना। इस आदर्श महिला, इंत आदर्श महिला बे ना ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, आइए बनी। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ, ಹೇನ। ಹಾ, ತೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕ ಗರೀಬ್ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಜನ್ಮ ಲೇನೆ ವಾಲಿ ಏಕ ಅನ್ಪಡ್ ಮಹಿಳಾ ಹೇನ, ಉನ್ಕಾ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಪರಿಚಯ ಹಮ್ ಯಹಾ ಪೇ ಇಸ್ ಪಾಠ ಮೇ ಪಾಯೆಂಗೆ, ಹೇನ। ಹಾ, ಇಸ್ ಪಾಠ ಮೇ ಹಮ್ ಇಸ್ಕೊ ದೇಖ್ತೇ ಹೇ। ಫಿರ್ ಆಗೆ तिम्मका का जन्म तुमकुरु जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्के नहल्ली में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, कक्के नहल्ली, यानी कक्के नहल्ली अंतर्गत ग्राम दली में जन्म वागते। तो तालुक कौन सा है, गुब्बी, तहसील है ना गुब्बी है, और जिला कौन सा है, तुमकुरु है ना, तुमकुरु जिले या गुब्बी तालुकिन कक्के नहल्ली जन्म आता ही रहे, है ना। उनके पिता चिक्करंगैया, उनके पिता का नाम क्या है, चिक्करंगैया, और माता विजयम्मा थे। और तंदे ताई हेसरेनु चिक्करंगैया हागु विजयम्मा, ये इनके माता पिता थे। इनके छह संतानों में से एक थी कौन, सालवर्ग तिम्मका, इनके वृक्ष प्रेमी तिम्मका जो है, इनके माता पिता के छह संतान जो है, आरु संतान अल्वा, आरु मक्कळल्ली इब्बरु कुडुंबदवरु आगिदारे। तिम्मका के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मका के माँ बाप, तिम्मका जो है उनके माँ बाप क्या करते थे, मेहनत मजदूरी परिश्रम पट्टु कूली केलसवन्न माडि तम्म होट्टेयन्न होरकोळ्ता इद्दरु, तुंबिकोळ्ता इद्दरु, समझ गए ना, अपना पेट पालते थे। तिम्मका के पति का नाम विक्कल चिक्कैया था। तिम्मका के पति का नाम क्या था, विक्कल चिक्कैया। तिम्मका वाला गंडन हेसरु अथवा पतिया हेसरु एनागित्तु अंतंद्रे विक्कल चिक्कैया अंतकंतहद्दु आगित्तु। वे भी अनपढ़ थे, अवरु कूड अनक्षरस्थरु आगिद्रु।
रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। रोज यानी कि प्रतिदिन प्रतिदिना दूसरों के खेत में बेरेवा हलगड़ली है ना। हाँ, क्या करते थे? खेत में पसीना बहाकर, पसीना का अर्थ क्या है? बेवरु, पसीना बहाकर काम किया करते थे। अंद्रे बेवर सुरसियोगली कल्पना मारता ही थो। इस दंपति को एक एक तौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कौन से दंपति को? कौन है वो? विकल चिकैया और तिमका, इन दोनों को एक एक तौर के लिए वंद तुत्तु अन्न को स्करा और एक मर्वे की तुम्हें कड़ी मेहनत तुम्बा परिश्रम बनाओ पढ़वे का गीतु तुम्बा कष्टपट्ट संपादने ना मार्वे का गीतु। कमाई भी बहुत कम थी, कमाई भी इतनी ज्यादा इनकी नहीं थी, बहुत कम कमाई थी। हाँ, अष्टंद और ये एनो कमाई अंतर एनो हाँ संपादने कोड़ा वस्तु इरलीला। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। यदि वंद पक्षा और मजदूरी कूली के लसवन्ना मार दे इंदित्रे मारलीला अंता अंतोड़ित्रे अवतोगुरु उपवास इरबेकागितु भूखे रहना पड़ता था यानी के उपवास अवरिगे इरबेकागितु। फिर तिमका निसंतान थी, तिमका को कोई संतान थी ही नहीं और ये मकड़ू इरलीला। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे, गंडा हिंडत पति पत्नी दोनों बच्चों के लिए मकड़ी गोस्कर परितपस्ताई थे तो नमी के मकड़ा गिल्वला अंखेड़ तुम्बा उड़ो चिंती गिड़ा गिल्वू। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और एक और मंदु मकु वन्ना दत्तु आगे तैत पड़ो। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सहनी सुननी पड़ी। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप ये इवे मगुन दत्तर आ मगुन स्वतंत ते ती जनर निंदे आगेलो आंजे हिंदस मगुन को जन मतलब है ना। हाँ, ये जो वो बच्चे के जो सगे माँ बाप थे उन लोगों को लोगों की निंदा कटु निंदा यहाँ पे सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। उन्होंने क्या किया? अपना जो बेटा दत्तक बेटा जो दिया था उसको उन्होंने वापस उनसे ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिमक्का बहुत दुखी हुई। यहाँ आ मगुन वापस इसको दत्तक मगुन इसको तुम्हारे तिमक्का वगैरह बेसर आगते। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरु के उमेश बीएन को पुत्र के रूप में अपनाया जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। हाँ, सन 2005 में यरसावला आइदरली और एक मर्दो बल्लूरु अंतकंता उरी ना उमेश बीएन अंतकंता उरी के दत्तु पुत्र वाक्य और स्वीकार अपना मार्ग बन्दो औरे ईगु पूरा अपना ये मार्ता इधर है नोट कोलता इधर है यारिगे तिमका अपने नोट कोलता इधर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर देखिएगा तिमका और चिकैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। दोनों निसंतान के बच्चे नहीं थे इसीलिए इन दोनों ने यह संकल्प किया। वह संकल्प क्या था? कि कोई समाज कार्य में हम दोनों जुट जाएं, है ना। अब इन दोनों ने क्या कर लिया? एक संकल्प किया कि हम दोनों मिलकर हमारे जो समाज कार्य में हम दोनों क्या कर ले जुट जाए। नामिब्रु कुड़ याव तो समाज कार्य में दली तलीन रागुना अंतिवले और एक मर्दुरी का संकल्प अपना मर्दुरी। उनके गांव के पास ही श्री रंगस्वामी का मंदिर था। उनके गांव के पास कहां पे? कक्की नहली है ना। हाँ, तो वहां पे क्या था? श्री रंगस्वामी का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? श्री रंगस्वामी, श्री रंगस्वामी अंतकंता बंधु देवस्थान अली इतु जहां हर साल मेला लगता था। अली प्रति वर्ष मेला, मेला का अर्थ जात्रे नडिता इतु। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। अली
ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೀನೆಗೆ ಪಾನೀಕ ಇಂತಜಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಜ್ಗೇನಾ ಜೋ ಶ್ರೀರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಹರ್ ಸಾಲ ಮೇಲಾ ಲಗ್ತಾ ಥಾ ತೋ ಉಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲೆ ಜಾನುವರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇನ್ ದೋ ದಂಪತಿ ಜೋ ಥೆ ಕಾ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾ ಔರ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಾ ಜೋ ಥೆ ಇನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ हाँ पीने के पानी का इंतजाम किया क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था कि कोई समाज कार्य वो लोग करेंगे है ना समाज कार्य में जुट जाएंगे तो इसलिए इस दंपति ने क्या किया यहाँ पे जो रंगस्वामी श्री रंगस्वामी जो मंदिर है वहाँ पे हर साल जो मेला लगता था उस मेले में आने वाले जानवरों को पीने के पानी का इंतजाम उन लोगों ने वहाँ पे कर दिया है ना बताइए हाँ और फिर तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने सींचने बढ़ाने की बात सोची पहले क्या किया अब दोनों ने कौन है चिकैया और तिम्मक्का दोनों ने यह संकल्प किया कि कोई धर्म कार्य में यानी कि हाँ कोई धर्म कार्य में वो दोनों तल्लीन होना चाहते थे तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में जो श्री रंगस्वामी का जो मंदिर था उस मंदिर में जो हर साल मेला लगता था उस मेले में आने वाले जानवरों को है ना पीने के पानी का इंतजाम उन्होंने किया इसके साथ साथ तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर जो रास्ता होता है रस्ते इरतल्वा अदर एरडू बदिगळल्ली अथवा इक्केलगळल्ली क्या करना हाँ वो पेड़ लगाने ಮರಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಚನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಫಿರ್ ಬಡಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಅವರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕಾ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಜಿ ಹೇನ ಯಹ ಕಾಮ ಆಸಾ ನಹಿ ಥಾ ಇತನಾ ಆಸಾ ನಹಿ ಹೈ ಕಾಮ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಘರ್ ಪರ್ ಹಿ ಪೇಡ್ ಲಗಾನಾ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸೆ ಹರ್ ಸಮಯ ಪಾನಿ ಡಾಲ್ನಾ ಯಾನಿ ಕಿ ಪಾನಿ ಸಿಂಚನಾ ಯೇ ಸಬ್ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ ಅಬ್ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ರಹಿ ಹೈ ರಾಸ್ತೆ ಕೆ ದೋನೋ ಓರ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅವರು ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಫಿರ್ ಭಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಉನ್ಹೋನೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಔರ್ ಕುದೂರ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆ ರಾಸ್ತೆ ಕೆ ದೋನೋ ಓರ್ ಬರ್ಗತ್ ಕೆ ಡಾಲ್ ಲಗಾಯೆ ಅದು ಆ ಥರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಹುಲಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕುದೂರ್ ಈ ಎರಡು ಊರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಗದ್ ಆಲದ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನು ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಉನ್ ಪೇಡೋ ಕೋ ಭೇಡ್ ಬಕರಿಯೋ ಸೆ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನಿ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೇಡ್ ಬಕರಿಯೋ ಸೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇನಾ पहले क्या किया उन्होंने संकल्प किया था कि मंदिर का जो समाज कार्य करने का या धर्म कार्य में तल्लीन रहने का फिर उन्होंने क्या सोचा कि रास्ते के दोनों ओर क्या करना है पेड़ों को लगाना है पेड़ों को लगाकर सींचना है सींचने के बाद उन्हें बढ़ाना है वो काम कष्ट है इतने ऐसे जानते हुए भी मुश्किल है ऐसे जानते हुए भी उन्होंने क्या किया कुदूर और हुलिकल और कुदूर के बीच में जो 4 किलोमीटर का जो रास्ता था रास्ते के दोनों बगल में उन्होंने बरगद के पेड़ लगाया और साथ ही साथ क्या किया भेड़ बकरियों से उनकी रक्षा करने के लिए उसकी भी व्यवस्था उन्होंने वहां पे की फिर पहले साल 10 दूसरे साल 15 तीसरे साल 90 पेड़ लगाए अब जब उन्होंने वहां पे पेड़ लगाने का कार्य शुरू किया तो पहले साल मोदलनेय वर्षा 10 10 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ದೂಸರೆ ಸಾಲ 15 ಎರಡನೇ ವರ್ಷ 15 ಫಿರ್ ತೀಸರೆ ಸಾಲ
90 ಮತ್ತೆ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷ 90 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟರು ಹೈನಾ ಪಹಲೆ ಸಾಲ ಕಿತ್ನೆ 10 ದೂಸರೆ ಸಾಲ ಕಿತ್ನೆ 15 ತೀಸರೆ ಸಾಲ 90 90 ಪೇಡ್ ಉನ್ಹೋನೆ ವಹಾಂ ಪೆ ಲಗಾಯೆ ಉನ್ಹೇ ಅಪನೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ತರಹ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಪಾಲಾ ಪೋಸಾ ಕಿಸೆ ಉನ್ ಪೇಡೋಂ ಕೋ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಅಪನೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ತರಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸೆ ಪಾಲಾ ಪೋಸಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರದು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಆ ಮರಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। ये जो कार्य था कौन सा? पेड़ों को लगाने वाला जो कार्य है 10 सालों तक निरंतर 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। वो जो पेड़ उन्होंने वहां पे लगाए थे वो पेड़ सिर्फ राहगीरों को छाया नहीं दे रहे थे। राहगीर रास्ते में जो चलने फिरने वाले जो लोग हैं उन्हें राहगीर कहा जाता है। रास्ते यानी ओरा तक अंतर ये अंतर है। राहगीर जो बोलते हैं दारी होकर जो बोलते हैं उनको क्या किया इन्होंने हाँ ये जो पेड़ थे आ मरगड़ो आ गिड़गड़ो केवल अवरिगे नेरळन्न निर्णय इल्लिल्ला और क्या करते थे साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಧಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಆದವು ಹೈನಾ ಜೋ ಪೇಡ್ ಇನ್ಹೋನೆ ಪಹಲೆ ಸಾಲ 10 ದೂಸರೆ ಸಾಲ 15 ತೀಸರೆ ಸಾಲ 90 ಪೇಡ್ ಇನ್ಹೋನೆ ಲಗಾಯೆ ಥೆ ಐಸಾ ಕಾಮ ಇನ್ಹೋನೆ ಲಗಭಗ 10 ಸಾಲೋ ತಕ್ ಕಿಯಾ 10 ಸಾಲೋ ತಕ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ವೋ ಜೋ ಪೇಡ್ ಥೆ ವೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ರಾಹಗೀರೋ ಕೋ ಛಾಯಾ ದೇನೆ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ವೋ ಪೇಡ್ पक्षियों के लिए आश्रय धाम भी बन गए। फिर तिमक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। इतने दिनों के बाद तिमक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां मुसीबत है ना। मुसीबत को क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ मुसीबत का अर्थ जो है हाँ विपत्ति है ना। मुसीबत यानी कि विपत्ति ತೊಂದರೆಗಳು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಶುರುವಾದವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಿಸ್ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವು ಸಮುದ್ರೇನ ಹಾ ತಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪತಿ ಕಿ ತಬಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಹುಯಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪತಿ ವಿಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಾ है ना। तिमका के पति विकल चिकैया जो थे इनको क्या हो गया? इनकी तबीयत खराब हो गई। इनके इनका स्वास्थ्य जो था बिगड़ गया। इनका आरोग्य हदगेड़ बुरी हालत में चिकैया चल बसे तुम्बा केट्टदागिरतक्कंत परिस्थितियल्ली अवरु तीर्कोंबिट्रु उनका निधन हो गया। वो चल बसे वो मर गए अवरु तीर्कोंबिट्रु निधनरादरु कौन? बिकला चिकैया। तिमक्का अब अकेली पड़ गई। अब क्या हो गया? तिमक्का बच्चे भी नहीं थे निसंतान थी तो अब वो अकेली हो गई। ಈಗ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ರು फिर भी हिम्मत ना हारी। ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮತ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಗುಂದಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಔರ್ ಅಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಲ್ಲೀನ್ ರಹಿ ಏನೋ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಲ್ಲೀನರಾದರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಗ್ನರಾದರು ಯಾರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರು ಸಮಜೇನ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಪೇಡೋ ಸಬ್ ಲಗಾಯ ಇತ್ನಾ ಸಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಹೇ ಮುಸೀಬತ್ ಕಿ ಜೋ ಘಡಿಯಾ ಥಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೆ ಜೀವನ ಮೇ ಅಬ್ ಶುರು ಹೋ ಗಯಿ ಐಸಾ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಕೆ ಜೋ ಪತಿ ಥೆ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಾ ಉನ್ಕಿ ತಬಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ है ना। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। बिगड़ने के कारण वो बुरी हालत में वो वहां से चल बसे यानी कि उनका निधन हो गया। उनका निधन होने के बाद तिमक्का अकेली पड़ गई। तिमक्का अकेली हो गई और दुखी भी थी। इतनी दुखी अकेली पड़ने के बावजूद है ना बावजूद उन्होंने क्या किया? हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत ना हारने के साथ साथ वो क्या कर रही है? अपने
अपना जो कार्य उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था उसमें फिर से वो तल्लीन हो गई, उस कार्य में फिर से वो जुट गई। समझ गए ना? मत आकारली तलीन अथवा आकार मत मग्न आगुटिमक समझ गए ना छात्र? अर्थ आगता है अल्वा? हमने टिमका के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, तो इसका अगला जो भाग है हम अगली अवधि में उसको देखेंगे। और इस पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखा है। कितने जो शब्द यहाँ पे दिए गए होंगे, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। कितने? दो दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना? दो दो पर्यायवाची शब्द हमें यहां पे लिखना है। जैसे पहले हम यहां क्या करते हैं, मैं शब्दों को लिखता हूं, देखिएगा। पर्यायवाची शब्द है। अब फिर तीसरा, पेड़ के लिए वृक्ष,
ಪದಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚಿ ಚಿಡಿಯಾ, ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಕ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದು? ಪಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಂಚವಾ ಜೊ ಹೇ ಮಹಿಲಾ, ಮಹಿಳಾ ಕೇಳಿ ಔರತ್ ಔರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಈ ದೋನ ಶಬ್ದ ಜೊ ಹೇ ಯೇ ಇಸ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಕಹಲಾತೆ ಹೇ. ಸಮಜ್ ಗಯೆ ನಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಗಯೆ ಜೊ? ಹಾ, ಫಿರ್ ಆಗೆ ಔರತ್ ಜೊ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ ಜೈಸೆ ಕೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಶಬ್ದ, ದೂಸರಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಅನೇಕ ಶಬ್ದೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದೋ अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए क्या करना है? एक शब्द लिखना है, एक शब्द. समझ रहे ना? अनेक शब्द के लिए वंदे शब्द के उत्तर बना अथवा उत्तर बना करता करता है. तो पहले हम देखते हैं कि वो शब्द कौन से. पहले पहला जो है वो देखिए, वो है जो पति पत्नी हो, जो पति पत्नी, जो पति पत्नी हो, जो पति पत्नी हो उन्हें क्या कहते हैं, है ना? फिर दूसरा, दूसरा जो है जिसकी कोई संतान ना हो, जिसकी जिसकी कोई जिसकी कोई संतान जिसकी कोई संतान ना हो, ना हो उन्हें क्या कहते हैं, है ना? फिर तीसरा जो शब्द है वो है राह पर चलने वाला, राह मीन्स रास्ते पर, राह पर चलने वाला, राह पर चलने वाला उसको क्या कहेंगे. फिर चौथा, चौथा क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, है ना? पहले जो दिया गया है आपने, जो पति पत्नी हो, पति पत्नी इधर इतर और ये रहते हैं ना, हाँ कहे वो दंपति, क्या बोलते हैं इसको, दंपति, है ना? हाँ, ये हो गया दंपति. हाँ, फिर दूसरा क्या है? जिसकी कोई संतान ना हो, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का क्या थी? हाँ, क्या थी वो? निसंतान, निसंतान थी, है ना? पकड़ो ये इरलिंदा. फिर तीसरा, राह पर चलने वाला, रस्ते में बने तक नहीं तक उतर गए, क्या है वो? राहगीर, राहगीर, राहगीर है. फिर जो पढ़ा लिखा ना हो, वो तो ब्रह्मा किरदे इंटरकंटर हो, वो तो ब्रह्मा ना गुत्तिदे इंटरकंटर ये रहता है. अनपढ़, क्या है वो? अनपढ़, अनपढ़. तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो शब्द है ऐसे अनेक शब्दों के लिए, जैसे कि अनेक शब्द हैं उनके लिए एक ही शब्द में हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं. जैसे कि पहला जो दिया गया, अगर अनेक शब्द करके ना वंदे बंधु शब्द निंदा आ वाक्य बंधु पूर्ण बंधु अर्थ ले रहा हूँ बड़ी बंधु. तो जो पति पत्नी ना हो वो है दंपति, सॉरी जो पति पत्नी हो, माफ कीजिएगा, जो पति पत्नी हो उन्हें दंपति कहते हैं, जिसकी कोई संतान ना हो उन्हें निसंतान कहते हैं, राह पर चलने वाला राहगीर कहलाता है, वैसे ही जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़, अनपढ़.
हमने इस पार्ट में आने वाले जो व्याकरण के जो अंश थे उन्हें भी हमने यहाँ पे देख लिया है ना। अब मैं आपको गृह कार्य में जो प्रश्न दूंगा उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के लाना है ना। गृह कार्य में आपको मैं दो प्रश्न देता हूँ, जैसे कि पहला है तिमक्का दंपति किस प्रकार के धर्म कार्य में लग गए। तिमक्का दंपति किस प्रकार के धर्म कार्य में लग गए। ये प्रश्न है। फिर दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है कि मक्का ने, माफ कीजिएगा, हाँ तिमक्का के जीवन में कैसी मुसीबत आ गई इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर लाना है ना। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा के राह पर हमारे कदम, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे इसको अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।